ઓકે આ લોકોનો કેમેરા બંધ છે એટલે હા એ લોકો બંધ રાખ્યા હતા હવે ચાલુ કરે ગ્રુપ પર રાખે છે ને હા બોલી દે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ અધ્યાય 18 ઉપસંહાર સંન્યાસ કી સિદ્ધિ શ્લોક સંખ્યા 37, 37, 38 અને 39 સુખમ તુ ઇદાનીમા ત્રિવિધમ શૃણો મે ભરતૃષભ અભ્યાસાત રમતે યત્ર દુઃખ અંતમ ચ નિગચ્છતિ શબ્દાત અનુવાદ ઓર તાત્પર્ય ઇસલે એસી ભક્તિ વિધાન સ્વયં પ્રભુપાદ ઇસ્કોન સંસ્થાપક આચાર્ય દ્વારા સુખમ સુખ તુ લેકિન ઇદાનીમ આવ ત્રિવિધમ તીન પ્રકાર કા શૃણો સુનો મે મુજસે ભર્તૃષભ હે ભર્તૃશ્રેષ્ઠ અભ્યાસાત અભ્યાસ સે રમતે ભોગતા હૈ યત્ર જહા દુઃખ દુઃખ કા અંતમ અંત ચ ભી નિગચતિ પ્રાપ્ત કરતા હૈ અનુવાદ હે ભરત શ્રેષ્ઠ અબ મુજસે તીન પ્રકાર કે સુખે તીન પ્રકાર કે સુખો કે વિષય મેં સુનો જિનકે દ્વારા બદ્ધ જીવ ભોગ કરતા હૈ और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बार बार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चरण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन वह सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावर्ती है और उससे वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। तो कभी कभी वह ऐसे कथाकथित आवर्ती मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया सक्षूर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी इति नामिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले શ્રીમદે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને। નમસ્તે સારસ્વત દેવે ગૌરવાણી પ્રચારણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાદેસ્તાણિ રે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવા સાદિ ગૌર ભક્તવિંદ। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામો હરે રામો 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 હરે હરે। સોના અવાજ આવ્યા तो आज का विषय है चार प्रकार के सुख, चार प्रकार के सुख। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय में 4 श्लोकों में तीन प्रकार के सुख का वर्णन करते हैं और 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में चौथे प्रकार का सुख का वर्णन करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ, अर्जुन का जन्म भरत वंश में हुआ था और भगवान कृष्ण के मान भक्त होने के कारण वो श्रेष्ठ था, इसलिए उनको कहा भरत श्रेष्ठ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ तुम। अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के बारे में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत भी हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो आत्मा का स्वरूप है वो सच्चिद आनंद है। सत मीन्स शाश्वत, चित्त मीन्स ज्ञान में, आनंद मीन्स आनंद में। हम सब जीवात्माएं आनंद से बनी हुई है स्वाभाविक रूप से, और हम भगवान कृष्ण के साथ आनंद लेने के लिए है। स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण की सेवा करके हम आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो स्वतंत्रता है, भगवान कृष्ण ने हमको स्वतंत्रता दिया है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हम इस भौतिक जगत में आ गिरे हैं सुख प्राप्त करने के लिए। यहाँ भी हम सुख प्राप्त करने के लिए आए, आध्यात्मिक जगत में भी भगवान कृष्ण के साथ सुख लेते थे, लेकिन हमने सोचा कि ये तो थोड़ा बंधन वाला सुख है, स्वतंत्रता वाला सुख लेते थे। तो हम इस भौतिक जगत में वो स्वतंत्रता वाला सुख लेने के लिए आए हैं,
तो प्रभुपाद जी लिखे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, प्रयास करता है, बारंबार भौतिक सुख भोगने के लिए प्रयास करता है इस भौतिक जगत में जीव। तो स्वाभाविक रूप से हम सुख से बने हैं और सुख लेने के लिए है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, हम वहां पर सुख लेना चाहते हैं। तो भौतिक जगत में हम सुख लेते हैं भौतिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से हम लोग सुख लेते हैं भौतिक जगत में। तो जब से हम भौतिक जगत में आए, कब से आए पता नहीं, अनादिकाल से आए, तब से हम भौतिक सुख भोगने की चेष्टा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अब इस श्लोकों में बताएंगे कि इस भौतिक जगत में हम जो सुख भोगेंगे या भोग कर रहे हैं या भोग किया है, वो तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार, उसका प्रकार तीन है। क्योंकि भौतिक जगत में सभी चीज प्रकृति के तीन गुणों से दूषित हो जाती है, तीन प्रकार का आहार, तीन प्रकार का यज्ञ, तीन प्रकार की भक्ति, तीन प्रकार का सुख, तीन प्रकार का त्याग। भौतिक जगत में हर चीज प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होती है, इसलिए वो तीन प्रकार के तीन भागों में बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि हम बारंबार ये भोग करने की चेष्टा करते हैं, इस प्रकार चबाया हुआ फिर से चबाते हैं, मतलब ये जो भौतिक सुख भोग रहे हैं हम लोग अभी, ये कोई नया सुख नहीं है, करोड़ों जन्मों से हमने ये भोग लिया है। जो इंद्रिय है, अलग अलग प्रकार की इंद्रिय है, उससे अलग अलग प्रकार का सुख भोग लिया, इसलिए इसमें कहा है चर्वित चर्वण, चबाया हुआ के फिर से चबाना। लेकिन हम बद्ध होने के कारण और माया का प्रभाव होने के कारण इस चबाए हुए को कितने जन्मों से फिर से चबा रहे और फिर भी हमको एहसास नहीं हो रहा है कि हम चबाया हुआ फिर से चबा रहे हैं। यही सुख हमने पिछले जन्म में, 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 जब से भौतिक जगत में आया, जब यही सुख का रिपीटेशन किया है हमने, वही आंखों का देखना, कानों का सुनना, जीभ का खाना, ये करोड़ों जन्मों से हम करते आ रहे हैं, 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 जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा है चर्वित चरणानाम। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत जब हम भौतिक जगत में ऐसे भोग करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत में भोग करने का परिणाम आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? निराश, निराश हो जाते हैं, निराश, दुखी हो जाते हैं वो भोग करते हुए। इस भौतिक जगत के अंदर किसी भी प्रकार का जो भोग है वो उसकी पराकाष्ठा है फ्रस्ट्रेशन। श्रीमद् भागवतम के साथ में स्कंद में वर्णन आता है गजेंद्र मोक्ष की कथा में, कि जिस सरोवर में गजेंद्र को पकड़ा था मगर ने, उस सरोवर में अप्सराएं वहां आती थी रति क्रीड़ा करने के लिए, उसमें लगा रति क्रीड़ा करने के बाद जो भोग करते हैं उसके बाद वो सब खिन्न हो जाते हैं, निराश। तो इससे पता लगता है कि इंद्रिय भोग करने का परिणाम आता है निराशा, सब लोग निराश होते हैं इंद्रिय भोग करने के कारण। ये श्रीमद् भागवतम का स्टेटमेंट है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस बौद्ध जगत में भोग करते हैं और कभी कभी निराश होते हैं, तो निराश होते हैं तो हम मंदिर में जाते हैं, कोई साधु से सुनते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखता है, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति करता है, संयोग रूप या अज्ञाता सुकृति के कारण किसी शुद्ध भक्त का संग हो जाता है इस भोग के बीच में, और जब उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है और कृपा दृष्टि होती है, और जो ऐसे जो महात्मा लोग हैं, शुद्ध भक्त लोग, वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं और वो देखते हैं कि ये कैसे बद्ध जीव है, बेचारे कैसे दुख भोग रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन वो उनकी दृष्टि में हम दुख भोग रहे होते हैं, तो उनके हृदय में दया आती है, करुणा आती है। तो विश्वनाथ शरीर ठाकुर माधुरी कंदमीन में कहते हैं कि जब एक शुद्ध भक्त ऐसी दृष्टि से जीवों को देखता है और कृपा दृष्टि की दृष्टिकोण से देखता है और सोचता है कि इस जीव को कृष्ण भक्ति मिल जाए, तो फिर भक्ति देवी उस शुद्ध भक्त के हृदय की इच्छा का वर्णन करते हैं भक्ति देवी, और फिर भक्ति देवी उस जीव के हृदय में प्रवेश करती है और फिर वो धीरे धीरे भक्ति में आता है, भक्ति में आता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखता है कभी कभी ऐसे लोग भोग के अंतर्गत शुद्ध भक्तों की संगति का उनको लाभ होता है, शुद्ध भक्तों की कृपा दृष्टि से उनके हृदय में भक्ति का प्रवेश होता है। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि बद्ध जीव ऐसे भोग करते करते अंततः उसका दुख
ये सुखों का, भौतिक सुखों का अंत हो जाता है, भौतिक दुखों का अंत हो जाता है। अब तीन प्रकार के सुख कौन से हैं? तो प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार के सुख भगवान कृष्ण ने बताए 39वें श्लोक में। यद अग्रे च अनुबंधे स सुखम मोहन आत्मनः, निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थतम तथा तामसम उदाहतम। तमोगुणी सुख पहला बताया, जो सबसे निम्न स्तर का सुख है, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, मतलब उस सुख से आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है, मतलब वो सुख भोगने से उसको आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं होगी। पहला ये डेफिनेशन है तमोगुणी सुख का। जो प्रारंभ से लेके यद अग्रे च अनुबंधे, यद अग्रे मतलब आरंभ से लेकर अनुबंधे अंत तक मोह आत्मना, वो मोह ही मोह है, वास्तव में सुख है ही नहीं। उदाहरण के स्वरूप सपना, स्वप्न का जो सुख है वो वास्तव में मोह है, वो सत्य नहीं है। लेकिन जब सपना चलता है तब हम सोचते हैं कि ना ये सुख तो वास्तविक सुख है, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। जैसे एक सपना में एक व्यक्ति है, वो राजा बना हुआ है और सिंहासन पे बैठा है, बड़े सिंहासन पे, मंत्रीवर जय बोल रहे हैं, बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग उनको वाह वाह कर रहे हैं। तो वो सोच रहा, हा मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरी सेना इतनी है, महाराज आपका राजकोष में इतना धन पड़ा है, तो ऐसे सोचकर वो सुखी होता है। लेकिन जैसे ही वो जागता है तो वो पाता है कि वो टूटी टूटी खुटी कुर्सी पे बैठा है, न तो मंत्री है, न राजकोष का धन है, कुछ भी नहीं है। तो सपने के सुख को हम लोग कह सकते हैं मोह वाला सुख। इसलिए यहां तमोगुण में जो सुख बताया है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, उसमें वास्तविक सुख है ही नहीं। अच्छा, प्रश्न होता है कि तमोगुणी सुख मिलता कहां से मिलता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम, ये तीनों से उत्पन्न होता है तमोगुणी सुख। सबसे पहला है निद्रा, निद्रा तमोगुण का लक्षण है, और निद्रा से सुख लेना मतलब वो तमोगुणी सुख है, वो वास्तविक सुख नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि आध्यात्मिक जीवन में जितनी निद्रा हम कम करेंगे उतना ही आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे, और आध्यात्मिकवादी दिन प्रतिदिन अपनी निद्रा को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो निद्रा तमोगुण का लक्षण है, और जितना ज्यादा सोएंगे, और बहुत सारे लोग हैं सोने में आनंद लेते हैं, आज संडे है, बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। पिछले रविवार को मैं भरूच में जा रहा था, साइड पर एक व्यक्ति को, एक सोसाइटी से एक भक्त को लेना था, तो हम सोसाइटी में गए, लगभग गए थे हम लोग 8 बजे, सुमसाम, उस आदमी के चकला भी नहीं उड़ रहा था। मैं बोला प्रभु जी किधर गए, सब दिखते नहीं है। बोला प्रभु सो रहे हैं, संडे है और लॉकडाउन है, तो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, और सोते सोते थक जाएंगे, फिर उठेंगे क्या करेंगे, थोड़ा खाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, टीवी देख के थक जाएंगे, वापस क्या करेंगे, सो जाएंगे। सुअर की तरह सोते रहते हैं ऐसे। तो ये भी एक प्रकार का सुख है, तमोगुणी सुख है ऐसे, सोने का सुख। तो ये आता है निद्रा से, निद्रा बड़ी आनंददायी लगती है। हम जब सोए हुए होते हैं और जॉब जाने का समय होता है और परिवार में से कोई सदस्य हमको उठाता है तो बड़ा कड़वा लगता है, यार तुमने कहां से उठा दिया मेरे को। कितनी अच्छी निद्रा ले रहा था ऐसे, सुख, वो सुख, उस सुख का, निद्रा के सुख का एहसास कर रहे थे हम लोग। इसलिए दूसरा बताया इसमें सुख आलस्य, निद्रा आलस्य, आलस्य मतलब कल कार्य करेंगे, ये कार्य कल करेंगे, आज माला बच गई तो कल करेंगे, आज रीडिंग बच गया तो कल करेंगे, ये काले कल पर छोड़ते, बड़ा अच्छा लगता है ये काम कल करेंगे, बस ये काम कल करेंगे, ये काम कल करेंगे, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, तो आलस्य। फिर तीसरा है मोह, व्यक्ति जानबूझकर मोह में रहना चाहता है। नहीं आया प्रभु? हाँ आया, रहना चाहता है मोह में, मतलब वो सत्य को जानना नहीं चाहता है। जब हम मोह में रहते हैं ना तो इंद्रिय तृप्ति करना बड़ा अच्छा लगता है। अगर जीव वास्तव अपने स्वरूप में आए तो वो इंद्रिय भोग नहीं कर सकता। जीव को अपने सत्य का ज्ञान हो जाए कि मैं शरीरी आत्मा हूं,
ये ज्ञान में अभी आ जाए तो भोग नहीं कर सकता भोग नहीं कर सकता, क्यों? उसको भोग भगवान ने डाला है, भगवान ही माया शक्ति से हम मोहित है, इसलिए भोग कर रहे हैं। बाकी कोई इंद्रिय भोग नहीं कर सकता अगर उनको सत्य का ज्ञान हो जाए तो। कई बार देखते हैं भक्त लोग इस्कॉन में आते हैं गंभीरता से, जो गंभीर भक्त जुड़ता है कई सालों तक और से या कमजोरी के कारण वापस भौतिक दुनिया में गिर जाता है, थोड़े टाइम जाता है फिर वापस आता है। पूछते प्रभु वापस क्यों आ गया? प्रभु जी वो सत्य जान लिया ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है और ये सब पाप है, बुद्धि जगत अंधकार है, इसलिए भोग नहीं कर पाते भोग नहीं कर पाते हैं, जानते हैं सत्य को जानते इसलिए भोग नहीं कर पाते हैं। तो मतलब भोग कब कर पाता है व्यक्ति? जब मोह में होता है, जब अपने आप को शरीर समझता है हमें शरीर हो, तब वो भोग कर पाएगा। लेकिन उसको सत्य का ज्ञान हो जाएगा तब वो भोग नहीं कर पाएगा, वो भोग नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर मोह, तो लोग मोह में रहना चाहते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। उसका एक उदाहरण, एक भक्त है, भक्त मतलब तो पहले यहाँ विद्यानगर में थे स्टूडेंट, फिर पढ़कर विवाह हो गया इत्यादि, यंग थे उस समय। तो मैंने भागवतम सेट उनको गिफ्ट में दिया, तो भागवतम दिया तो उन्होंने पढ़ा पहला स्कंद, और उसके बाद दूसरी बार मैं जब गया तो वो वापस दे रहे। क्यों? प्रभु जी ये तो इससे तो वैराग्य उत्पन्न होता है बोला क्यों? तो बोला इंद्रिय भोग नहीं कर सकता, भागवतम पढ़ने से इंद्रिय भोग नहीं होगा, बोला वैराग्य उत्पन्न। तो अभी आप वापस ले जाओ, मैं 50 साल का हो जाऊंगा, 45 के बाद के इसको ले जाऊंगा मैं। तो 45 के बाद वो ले गया, वो ले गया। तो कहने का मतलब है लोग मोह में रहना चाहते हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते, सत्य को जानना नहीं चाहते, क्योंकि मोह में रहेंगे तो मिटरियल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और कई लोग जानबूझकर सत्संग में बुलाते हैं, बोला अभी नहीं आएंगे 50 के बाद, क्यों? बोला अभी जाएंगे तो हमारा भोग चला जाएगा, ये सब सत्य का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये तमोगुण से लोग आनंद लेते हैं, तमोगुण से अज्ञान में रहकर, अपने अज्ञान में रहकर, अज्ञान में रहना भी एक प्रकार का आनंद है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं अज्ञान में रहते हैं और आनंद लीजिए उनका, बस कुछ देखते रूपा जी तात्पर्य लिखते हैं कि आलस में ही सुखी, मतलब जो आलस में रहता है, मोह में रहता है और निद्रा में ज्यादा रहता है, वो निश्चय तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए, किस प्रकार जीवन जिया जाए, हाँ वो तमोगुणी है। रूपा जी दूसरा ये पॉइंट लिखते हैं कि रजोगुण में तो कम से आरंभ में सुख है, रजोगुण में, तमोगुण में आरंभ में भी सुख नहीं है और अंत में भी नहीं है। जैसे इस श्लोक में कहा है यद अग्रे च अनुबंधे, यद अग्रे मीन्स आरंभ में और अनुबंधे मतलब अंत में, अंत और आरज के बीच में मोह ही है। लेकिन रजोगुण में वास्तविक सुख है, थोड़ा शुरुआत के अंदर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तमोगुणी सुख हुआ। उसके बाद जाता है रजोगुणी सुख, रजोगुण में क्या सुख है? तो भगवान कहते हैं विषया इंद्रिय संयोग, विषय इंद्रिय संयोग तथा यद अग्रे अमृतमुपम परिणामे विषम युग, रजोगुणी सुख। विषय इंद्रिय संयोग, विषय इंद्रिय संयोग यद तत् अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम युग तथा सुखम राजम स्मर्तम, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसंग से उत्पन्न होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य है अंत में विष तुल्य है। यहां पर बताया कि रजोगुण में, रजोगुण जो सुख है वो आरंभ में तो अमर जैसा होता है, वो मोह नहीं है, वो सत्य है। तमोगुण वाला तो पूरा अंत से अंत, अरे आरंभ से अंत तक मोह है, लेकिन ये वाला मोह नहीं है, ये अमृत तुल्य है शुरुआत में। प्रश्न होता है कि रजोगुणी सुख उत्पन्न किससे होता है? जैसे तमोगुणी सुख किससे उत्पन्न हुआ? तीन चीजों से उत्पन्न हुआ ना, निद्रा, आलस और मोह से। तो ये रजोगुणी सुख कहां से उत्पन्न होता है? तो कहा है विषय इंद्रिय संयोग, इंद्रियों और उनके विषयों का संयोग से उत्पन्न होता है। पांच इंद्रिय है हमारी और पांच इंद्रियों के विषय है, ये जब दोनों मिलते हैं और उनके संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो रजोगुणी सुख कहा जाता है। रूपा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण बोल सकते हैं उनको। पूर्वाज, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रिया युवक को प्रेरित करती है कि वो उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे, उसका भोग करे।
प्रारंभ में इंद्रियों को ये अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में कुछ समय के बाद ही वो विस्तुल्य बन जाता है, तब वो अलग हो जाते हैं, उसमें तलाक विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होते हैं। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है, ऐसे लिखा है कि उसके अंत में दुख आता है। इसका उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे सिगरेट पीते ऐसा करता है व्यक्ति और ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में घूम रहा हूँ, देवराज इंद्र के साथ में देवराज इंद्र के साथ में घूमता है ऐसा लगता है उनको लेकिन उसका परिणाम क्या आता है? सिगरेट पीने का परिणाम पीते तो तब लगता है रजोगुणी सुख है ना, उसका परिणाम क्या है? कैंसर, ये पेट से खराब हो जाएगी, एक प्रकार का सुख। दूसरे प्रकार का सुख है जीभ का, स्वीट खाना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा स्वीट खाते क्या होया? डायबिटीज। और डायबिटीज जब पराकाष्ठा पर चला जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है? शरीर को काटना पड़ता है, बहुत डेंजर। खाने में बड़ा मधुर लगता है स्वीट। विषय इंद्रिय सुख यत अग्रे अमृतम, शुरुआत में अमृत के समान, परिणाम है विषय। दो उदाहरण। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद ने दिया, वो यहाँ पर लिखा है, अगर वो गृहस्थ आश्रम में है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उपाध्य ग्रह आश्रम का उदाहरण नहीं देते, ग्रहमेधि का देते। ग्रहमेधि मीन्स जो इंद्रिय भोग जिनका उद्देश्य है वो। तो जैसे बौद्धिक जगत में युवक युवती मिलते हैं तो जब गार्डन में बैठते हैं बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में घूम रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, और उनको उनको ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन लॉन्ग लाइफ ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रोमांटिक जीवन रहेगा। जैसे शुरुआत के दिनों में लड़के लड़की मिलते हैं तो उनका जीवन रोमांस रहता है और उनके उनके मन में धारणा बनी रहती है कि ये सुख हमारा ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई विच्छेद नहीं आएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि फिल्मों में उन्होंने वो सुख देखा है। फिल्मों में क्या करते हैं, जीवन का दो भाग होता है, एक रोमांस वाला भाग, एक जवाबदारी वाला भाग। फिल्मों में पहला भाग ही बताते हैं, पिछला भाग नहीं बताते जीवन का। पहला भाग कौन सा है? रोमांस वाला जीवन, वो भाग ही बताते हैं जिसमें एक दूसरे मिलते हैं, प्रेम होता है और जो भी थोड़ा छोटा मोटा ऑब्स्टेकल आता है, विलन कुछ ऑब्स्टेकल करता है या लड़की का पिता कुछ ऑब्स्टेकल करता है, जो भी है तो वो छोटा मोटा आता है, बाकी जीवन उनका बहुत अच्छा चलता है और प्रेम में ही चलता है। लेकिन जीवन का जो दूसरा भाग है, जवाबदारी वाला भाग, उसमें कष्ट ही कष्ट है, उसमें रोमांस नहीं है, तो वो फिल्मों में नहीं बताते हैं। अगर वो फिल्मों में बताएंगे तो कोई फिल्म देखेगा नहीं। तो प्रभुपाद लेके ये है, लेकिन उसके बाद दूसरा जो जीवन का भाग है वो बड़ा कष्ट में होता है। बच्चे होते हैं, घर चाहिए, लोन भरना है, कमाना है, ओवर टाइम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत संघर्ष है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। फिर सोचता है यार वो तो रोमांस वाला जीवन तो अच्छा था, वो फिल्मों में तो ऐसे बताया नहीं, ये जीवन में दूसरा पार्ट कहाँ से आ गया ऐसा होता है। तो शुरुआत में अमृत, अंत में क्या? विष बन जाता है। और प्रभुपाद जी इसमें से लिखा है तलाक, कई बार ऐसा हो जाता है, तलाक होता है तो वो हृदय अटैचमेंट होता है, हृदय ग्रंथि स्त्री पुरुष के बीच में बंद जाती है, इसलिए शोक विषाद ये सब उत्पन्न होता है, तो एकदम जीवन दुख में ही बन जाता है, बहुत दुख में ही बन जाता है। तो किसी भी प्रकार का इंद्रिय भोग ले लो, शुरुआत में वो श्लोक है ना, विषयाविनी व्रत नहीं, क्या श्लोक तो बहुत ऐसा, एक तो विषयाविनी व्रत थे नहीं आवश्य दे नम्रस्वजन रसोप, एक ये नहीं है, बहुत दूसरा श्लोक है ना, इंद्रिय के विषयों के सहयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो अंत में दुख बनता है। भगवद गीता का कौन सा श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, दूसरे अध्याय का, माइंड में से निकल गया, विषयाविनी वर्तते नियारस्य देइनम, बुद्धिमान लोग है वो है ना, ये नहीं, हाँ ये नहीं, विषयाविनी वर्तते नियारस्य देइनम रस रजम रसोप से परम दृष्टानि, ये नहीं, बुद्धिमान लोग है न तेसु रमते बुधाहा, न तेसु रमते बुधाहा, वो श्लोक है उसका आगे का लाइन भूल गया, न तेसु रमते बुधा है, हाँ पांचवा अध्याय, न तेसु रमते,
जो भी है। तो कहने का मतलब यह है कि भौतिक इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, शुरुआत में यहां पर भगवान ने कहा वो रजोगुणी सुख अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में वो क्या करता है, विष बन जाता है, विष बन जाता है। और भौतिक जीवन का हमारे भौतिक जीवन है वो 50 साल के बाद वाला सभी के लिए विष बन जाता है। इतने सारे रोग उत्पन्न होते हैं, अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होती है, इंद्रिय भोग जितना करेंगे इतना ही ज्यादा शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, बड़ा कष्टदायक जीवन होता है। और व्यक्ति चाहता है कि मैं इसे बाहर निकलूं, लेकिन इंद्रिय भोग करने के कारण उसका कर्म का बंधन है, इसलिए वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता। बड़ा पछताता है, सोचता है कि मैंने इंद्रिय भोग क्यों किया, लेकिन शुरुआत में वो अमृत के समान था, अंत में वो विष बन जाता है। तो रजोगुणी सुख तमोगुणी सुख तीन चीजें उत्पन्न होता है, रजोगुणी सुख इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है, पांच कर्म इंद्रिया है, सॉरी पांच हमारी इंद्रिया है और उनके इंद्रियों के विषय से उत्पन्न होता है। सुनने का ले लो, लोग बहुत सुनते हैं तो कान चला जाता है, बहुत देखते हैं तो आंख चली जाती है, बहुत खाते हैं तो डायबिटीज होता था, इंद्रिय भोग करते हैं तो अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तो वो सुख रजोगुणी सुख है। उसके बाद आता है सतोगुणी सुख, यत अग्रे विषमी व परिणाम अमृतो उपमम यशुकम सात्विकम प्रोक्तम आत्मा बुद्धि प्रसादजम। सतोगुणी सुख जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्मा साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो यहां पर सात्विक सुख का डेफिनेशन दिया है, ये रजोगुणी सुख का उल्टा है। रजोगुण में क्या था, यद अग्र अमृत उपमम परिणाम विषम, और ये क्या है, यद अग्र विषम परिणाम अमृत, यद अग्र विषम शुरुआत जैसा है सतोगुणी सुख, लेकिन अंत में ये अमृत बन जाता है। किसी को प्रश्न होता है ये कैसा सुख है भाई, शुरुआत में क्या लगता है, कड़वा लगता है, और अंत में क्या लगता है, अमृत। जीवन के अंत भाग में, अंत भाग में 50 के बाद अमृत जैसा लाइफ लगता है, आनंददायक जीवन। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं आत्मा साक्षात्कार के साधन में, और ये सुख से आपको आत्मा साक्षात्कार प्राप्त होता है, रजोगुणी सुख से तमोगुणी सुख से आत्मा साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये सुख से आपको आत्मा, ये सुख में रहते हुए आप आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सुख क्या है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत बन जाता है, तो आत्मा साक्षात्कार जगाता है, तो सतोगुणी सुख है जो शुरुआत में, हाँ ये संस्पर्जा भोगा दुख यौन एवता आध्यवतंत कौंते नह ते सुर मते बुधा। क्या फोटो आ गया, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यौन एवता आध्यवतंत कौंते नह ते सुर मते बुधा। इंद्रियों और इंद्रिय सुख है यही संस्पर्जा भोगा, वो भोग करने से दुख यौन एवता, ये दुखी योनिया है और इसका अंत और आदि होता है। न तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें रमता नहीं है, वो इस रजोगुणी सुख में बुद्धिमान व्यक्ति आनंद नहीं लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अंत तो दुख का क्या बनेगा, कारण बनेगा, इसलिए वो उसमें भाग नहीं लेता है। सतोगुणी सुख है और प्रारंभ में विष जैसा लगता है, तो वो क्या सुख है, प्रारंभ में विष जैसा लगता है, सुख तो सुख होना चाहिए, विष जैसा क्यों लगना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि सतोगुणी जो सुख है वो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, वो है साधना। तात्पर्य में साधना मतलब आत्मा साक्षात्कार को जगाने के लिए, क्योंकि आत्मा साक्षात्कार जगाए बिना अंत में अमृत प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए रजोगुण में सुख है वो अंत में विष बताया है, क्योंकि उसे आत्मा साक्षात्कार नहीं बल्कि अज्ञानता की ओर जाते हैं हम लोग, और ये जो सुख है उसमें आत्मा साक्षात्कार होता है। तो जैसे माला करना विष जैसा लगता है, मंगल आरती उठना विष जैसा लगता है, चार नियम का पालन करना विष जैसा लगता है, शास्त्र पढ़ना विष जैसा लगता है, ये जो भक्ति योग के विधि विधान है, बेसिक साधना, ये सब करना ये विष जैसा लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन अगर इसको हम करेंगे तो 50 के बाद आनंदोभ्यासा, व्यक्ति आनंद में रहेगा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती
कोई गंभीरता से 15-20 साल ये अच्छी साधना करता है तो वो आनंद किस आधार पर आएगा? वो आनंद आएगा साधना सॉरी आत्म साक्षात करके आता, क्योंकि उस साधना से धीरे 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 हम अपने स्वरूप को जानने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और जब हम असली स्वरूप में आते हैं तो हम वो आत्म साक्षात्कार का आनंद प्राप्त करते हैं। और 50 के बाद रजोगुणी सुख वाले तो ज्यादा बीमार हो सकता है, भगलोग भी बीमार हो, लेकिन वो भगलोग उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उसकी असर नहीं होती उसकी। अगर आप आत्म साक्षात्कार में कुछ हद तक ऊपर चले गए हैं तो आपको शारीरिक कष्ट मानसिक रूप से आपको परेशान नहीं करेंगे। दुख का मतलब मानसिक दुख, एक्चुअली ज्यादातर व्यक्ति मन से दुख होता है, वो शरीर है वो पीड़ा देता है और फिर शरीर मन को टॉर्चरिंग करता है और मन आत्मा को टॉर्चरिंग करता है, कहने का मतलब। और जब मन दुखी होता है तब बड़े दुखी होते हैं। लेकिन अगर अगला मन हमने कंट्रोल कर लिया है तो शरीर को दुख होते हुए भी हम मानसिक रूप से त्रस्त नहीं रहेंगे। जिसका उदाहरण पीताम भीष्म पूर्ण रूप से शरीर अवस्था में थे और ये पूरा बाण मारा हुआ था इधर सब, और वो तो कृष्ण के बारे में प्रवचन दे रहे थे उसी अवस्था में। प्रभुपाद जी लास्ट मोमेंट में शरीर पूरा जर्जर हो गया था, फिर भी सोते सोते कृष्ण के बारे में बोल देते, वो मानसिकता के ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ा। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, बॉम्बे में थे प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी कुछ ले नहीं रहे थे अनाज, और उनको भागवत में लिखना था प्रभुपाद जी के फ्रूट और दूध ब्रेन को स्ट्रांग रखने में सक्षम है, और मुझे ब्रेन ही चालू रखना और शरीर का कोई अंग चालू नहीं रहेगा तो चलेगा, ब्रेन चालू रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ। ये पकड़ता है डिक्टाफोन, प्रभुपाद जी बैठे बैठे बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोला ब्रेन चलना चाहिए, और ब्रेन चलने के लिए दूध और फ्रूट काफी है और कुछ जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मन हमको परेशान करता है, आत्म साक्षात्कार से मन हमको वश में आ जाता है। इसलिए 50 के बाद हमारा शरीर जर्जर हो गया है, दुख हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम विचलित नहीं होंगे, आनंद में ही रहेंगे। नहीं है तो हम बड़े दुखी होंगे। इसलिए ये आत्म साक्षात्कार जगाना मतलब साधना करना, ये शुरुआत में कड़वा लगता है लेकिन जीवन का अंत इसका बहुत अच्छा होता है, अंत बहुत आनंदमय होता है। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो ज्ञान के साथ छोड़ेंगे और भौतिक आसक्तियां चली जाएगी, ये सब आनंद का विषय है, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सतुगुण सुख लेने का प्रयास करना चाहिए। अब सतुगुण से भी ऊपर जाते, सतुगुण से भी ऊपर एक सुख है शुद्ध सतोगुणी सुख, जिसका वर्णन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में किया है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंसा परस्परम कथयंच माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ये शुद्ध सतुगुणी सुख है, प्रकृति के तीन गुणों से परे वाला सुख। अभी तक हमने चर्चा किया वो प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत वाला सुख था, और प्रकृति के तीन गुण में अंतर्गत का मतलब है कि ये गुण क्या होता रहता है, स्पर्धा चलती रहती है। तो हो सकता है कि साधना करने वाला भक्त भी कभी कभी रजोगुण सुख ले ले, कभी कभी तमोगुणी सुख भी ले ले कि आज संडे है, मंगल आरती नहीं जाए चलेंगे, आज लॉकडाउन है, घर में सो जाएंगे, कौन देखेगा, है मंदिर में जाएंगे तो लोग पूछेंगे, भाई चालू होगा तो लोग पूछेंगे यार भाई संडे को मंगल आरती क्यों नहीं आए, लेकिन अभी लॉकडाउन में कौन पूछेगा, सो लेते हैं ऐसे। प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव हो सकता है, कभी कभी रजोगुणी सुख ले सकता है, तमोगुणी सुख ले सकता है, सतोगुणी ले सकता है। तो भौतिक जगत में रहेंगे या प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत रहेंगे तब तक ये स्पर्धा चलती रहेगी और हम इसका सुख लेते रहेंगे, और लेते रहेंगे तो प्रभावित होते रहेंगे। लेकिन ये प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर वाला सुख है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंस परस्परम कथयंचाम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो जब हम दूसरों को उपदेश देते हैं, पुस्तक वितरण हम दे सकते हैं, पुस्तक वितरण क्या है, एक आनंद का विषय है, क्योंकि हम दूसरों को देते हैं, कृष्ण को समझाते हैं कृष्ण के बारे में, और हम देखते हैं जब भक्त लोग पुस्तक जाती है तो बड़े आनंदित होते हैं। जैसे अभी भरूच में बुकडिशन कर रहे थे, जो भक्त लोग बाहर जाते हैं बुकडिशन करके आते हैं तो 4-5 भक्त इंतजार करते हैं, भागवतम गयो, हाँ अरे वो सब प्रसन्न हो जाते हैं, भाई वो दे के आया, तुमको क्या आनंद आ रहा है, लेकिन आध्यात्मिक है ना, कृष्ण गए हैं,
किसी के घर में कृष्ण गए, भागवतम मीन्स साक्षात कृष्ण का स्वरूप। एक भागवतम जाता है तो बड़े भक्त प्रसन्न होते हैं, एक पुस्तक जाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं, भक्त लोग प्रसन्न होते हैं। क्या ऐसा आनंद है? क्योंकि वो कृष्ण को दिया, कृष्ण के बारे में बोला, कृष्ण के बारे में समझाया, तो ये आनंद का विषय है। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी हावर्स एंड हावर्स लेक्चर देते थे, हावर्स एंड हावर्स, घंटों 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 लेक्चर देते थे, मतलब रोज सुबह शाम ऐसे पूरा दिन कृष्ण के बारे में समझाते थे प्रभुपाद जी, परम आनंद में रहते थे। तो जब यहाँ पर लिखा है कि मेरे भक्त है वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते वो परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, तो वो तो जब सब लोग कृष्ण के बारे में बताएंगे तब ये अनुभव होगा, तब तक नहीं होगा। जब हम दूसरों को कृष्ण के बारे में बताएंगे तब हमारे हृदय में जो संतोष उत्पन्न होगा उसका एहसास कर पाएंगे। जब तक ये प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे तब तक आपको शुद्ध सत्वगुणी सुख है उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। जब हम कृष्ण के बारे में दूसरों को बताएंगे पुस्तक वितरण के माध्यम से, नगर संकीर्तन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, तब हम ये आनंद अनुभव करेंगे हृदय के अंदर की नहीं, रियली ये अद्भुत आनंद है और प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर वाला आनंद है। जैसे हम देख सकते हैं कई बार हम गार्डन में जाते हैं तो देखते हैं, कहीं जाते हैं हम सुबह जा रहे हैं या शाम को जा रहे हैं, देख रहे हैं लड़का लड़की बात कर रहे हैं, 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 रिटर्न आते चार पाँच घंटे तो भी बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं इनके पास क्या सा ऐसा सब्जेक्ट है, सुबह से शाम दोनों डिस्कस कर रहे हैं लड़का लड़की। लेकिन जो वो लोग हमको देखते हैं कई बार हैं, हम क्या करते हैं, भक्त लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं घंटों 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 घंटों, लोग सोचते हैं यार दूल्हा गोविंद इतना सारा किससे बात करता है। हैं, एक पॉइंट है ऐसे, इतना बात क्या, इनके पास क्या टॉपिक है, भौतिकवादी लोग सोचते हैं इनके पास क्या विषय है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे भौतिकवादियों के पास अनंत विषय है, ऐसे ही आध्यात्मिकवादियों के पास क्या है, अनंत विषय, कभी खत्म होने वाला विषय नहीं है। ये जो महाभारत है कथा तो कितना मैंने बताया था, स्वर्ग लोक के अंदर कुछ करोड़ों में श्लोक है, भौतिक जगत में लाख में है, इस वाला स्वर्ग लोक में करोड़ों श्लोक में महाभारत है। ऐसे वैदिक साहित्य है स्वर्ग में, यहाँ के पृथ्वी लोक के जो श्लोक है उससे कई गुना बड़े श्लोक है और वैदिक साहित्य है। भगवान की लीलाओं का कोई अंत ही नहीं है, अनंत काल तक ये लीलाएं चलती रहेगी, अनंत काल तक भगवान के विषय चलते, तो सब्जेक्ट को पूरा होने वाला नहीं है एक्चुअली ऐसे। इसलिए ये सनातन सुख है, हम बोलते हैं इसको सनातन सुख, क्यों, क्योंकि शरीर चेंज हो जाएगा फिर भी ये सुख बदलेगा नहीं, वो सतोगुणी रजोगुणी सुख बदल सकता है लेकिन शरीर बदल जाएगा, ये जो सुख है आध्यात्मिक सुख वाला, यहाँ पर जो बताया है मत चित प्राणा बोधयंस परस्परम कथियंच माम नित्यम तुष्यंति चरमंति चा, ये सुख कभी भी एंड नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि आत्मा अनंत है, भगवान अनंत है और भगवान के गुणगान भी अनंत है, इसलिए इसका एंड नहीं होगा। बाकी जितने भी प्रकार के सुख बताए हमने, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, वो अप डाउन होंगे, ऊपर नीचे होंगे, इस जन्म में सतोगुणी सुख भोगा, हो सकता है अगले जन्म में रजोगुणी सुख भोगूं, अगले जन्म में तमोगुणी सुख भोगूं, फिर वापस रजोगुणी भोगूं, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। और उसका फल बताए, तमोगुणी का फल क्या है, मोह, और मोह में जाएगा। रजोगुणी का फल क्या है, दुख बताए, अंत में दुख मिलता है रजोगुणी सुख में। सतोगुणी में अंत सुख वाला बताया, लेकिन भौतिक प्रकृति का वातावरण ऐसा है कि भगवान ने 14वें अध्याय में भगवद गीता में बताया कि कभी कभी ये रजोगुण और तमोगुण सतोगुण के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो फिर से वापस दुख में आ गया, तो सुख दुख चलता रहेगा। लेकिन अगर हम शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो ये सुख कभी एंड होने वाला है, और इसका क्या परिणाम है, अनंत। नायम देव भाजा नरलोके कष्टान कामान इहर्ते वीर भुजामी तपो दिव्यम पुत्र का ब्रह्म सौख्यम तव अनंत। व्यक्ति को अनंत सुख, ब्रह्म सुख है वो, अनंत सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, ऋषभ देव भगवान ने कहा अनंत सुख, और अनंत सुख मिलेगा यहां पर इस श्लोक के अनुसार, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंस परस्परम कथियंच माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये करने से आ जाएगा ऑटोमेटिक हृदय में। सतोगुणी सुख रजोगुणी सुख विशेष कर तो ये इंद्रियों के विषयों से संयोग से उत्पन्न होते हैं, मतलब कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है, लेकिन ये जो सुख है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ लेना है, बाह्य भौतिक विषय को लेना है, खाली मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंस परस्परम कथियंच माम नित्यम तुष्यंति रमंति च, वो ऑटोमेटिक हृदय में संतुष्टि का अनुभव हो जाएगा,
हृदय ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाएगा ये श्लोक को जीवन में अप्लाई करने से। तो इसको श्लोक को जीवन में अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे जीवन में उतारेंगे? तो पहला शब्द इसमें लिखा, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। हमारे विचार है भगवान में वास होना चाहिए, सूक्ष्म शरीर भगवान में लगना चाहिए। भगवान में वास होने का मतलब भगवान के बारे में सोचना। भगवान के बारे में सोचने का मतलब है ऐसा नहीं कि खाली हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से सोचना। शिला प्रभुपाद जी भगवान के बारे में सोचते थे हमेशा कि इस जगत में कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, वो भी कृष्ण के बारे में सोचना। पुस्तक वितरण कैसे हो, सेवा अच्छी कैसे हो, भौतिक जगत में बद्ध जीवों को कैसे कृष्ण भक्ति दिया जाए, वो भी सोचना क्या है, विचार। फिर क्या है, उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं। तो हमारा जीवन भगवान की सेवा में यथाशक्ति समर्पित होना चाहिए। तीसरा, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। मतलब हमको दूसरे को ज्ञान देना चाहिए और उससे भगवत चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारे भक्तों का लॉकडाउन में अनुभव है कि भक्ति में डाउन हो गए। क्यों डाउन हो गए? संग नहीं है। ये लॉकडाउन से भक्तों के संग का वैल्यू पता लगा। क्या पता लगा? कि भक्तों के संग जो वातावरण है, वातावरण बहुत पूछे प्रभु ये सत्संग कब शुरू होगा, प्रभु मंदिर कब खुलेगा, प्रभु अंदर जाके कब दर्शन करेंगे, तो बाहर से कर रहे, अंदर जाके अंदर में जो हॉल है उसमें एक एनवायरमेंट है, क्योंकि कीर्तन वीर्तन होता है, फर्क पड़ता है। ऐसे भक्तों के संग में श्रवण क्लास शुरू कब होगा, नहीं से ये सुन रहे हैं हम लोग ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन है इसको वर्चुअल इफेक्ट कहते हैं, वर्चुअल इफेक्ट। जैसे वर्चुअल फॉलोवर्स होते हैं ना, कुछ लोगों के वर्चुअल फॉलोवर होते हैं। वर्चुअल फॉलो मीन्स ऑनलाइन फॉलोवर्स, वो वास्तव में लाइफ सेक्रीफाई नहीं करते। उनके जीव जी उनके उनके बहुत सारे गुरु हैं, जैसे सदगुरु है, उसके वर्चुअल फॉलोवर्स वास्तव में उनको लाइफ समर्पण नहीं करेंगे। तो वर्चुअल फॉलो लंबा लंबा चलेगा नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए ऐसे। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन का एक इफेक्ट है, लेकिन प्रत्यक्ष जब सुनते हैं, जब नहीं है तो ठीक है ये काम करता है, लेकिन प्रत्यक्ष सुनते तो बहुत फर्क पड़ता है। और भक्तों का संग, उससे हमको प्रेरणा मिलती है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने भक्तों का संग, तो यहाँ पर बताया एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और मेरे विषय में बातें करते हुए, जब ये करते हैं हम लोग चार चीज, भगवान के अंदर विचार, भगवान के अंदर सेवा, ज्ञान देना और ज्ञान की चर्चा करना, परम संतोष आनंद का अनुभव करते हैं। लिखता है तुष्यंती च रमंती च, भाई का स्टैच्यू में बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ऊपर लिखा है तुष्यंती च रमंती च, तो उसको तुष्यंती च रमंती च नहीं कहते, क्योंकि एग्जाम आएंगी तो उसका फुटबॉल बंद हो जाएगा, तुष्यंती च रमंती च बंद हो जाएगा। जॉब आएगी तो तुष्यंती च रमंती च बंद हो जाएगा। ये भौतिक सुख है, कुछ अलग अलग जगह में मिलता है, अलग अलग जगह में नहीं मिलता है। ऐसे तो चार प्रकार का सुख हुआ सारांश में। कितने प्रकार का सुख हुआ? तमोगुणी सुख, निद्रा, आलस और मोह से उत्पन्न हुआ, आरंभ से अंत तक मोह ही है। फिर रजोगुणी सुख, इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ, परिणाम दुख। फिर सतोगुणी सुख, आरंभ में विष जैसा, अंत में अमृत जैसा। लेकिन आध्यात्मिक सुख है, आरंभ से भी अमृत है। जैसे तमोगुणी सुख है वो आरंभ से अंत तक मोह है, वास्तविक सत्य नहीं है, ऐसे ही ये शुद्ध सतोगुणी सुख है। शुद्ध सतोगुणी सुख मतलब श्लोक बोला वो तुष्यंती च रमंती च मच्चित प्राणा बोधियंस परस्पर वाला श्लोक है। मेरे भक्त लोग मेरे विचारों में लीन रहते हैं, मेरे सेवा में जीवन समर्पित रहता है और ज्ञान की बातें करते हैं और आदान प्रदान करते हुए आनंद लेते हैं। तो ये आरंभ से अंत तक सुखी सुख है, इसका अंत होता ही नहीं है। सबसे पहले अंत शब्द नहीं हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण के से, तो ये पूरा उल्टा है। यहाँ तमोगुणी सुख है, यहाँ शुद्ध सतोगुण सुख है। अब हमको चॉइस करना है कि हमको कौन सा सुख लेना है, किस सुख की खोज कर रहे हैं हम लोग। यही संस्पर्जा भोगा दुख यौनम एवतः आद्यमदंत कौनते न तेसु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति है वो विशेषकर रजोगुणी सुख, जो इंद्रियों के विषयों से, यही संस्पर्जा भोगा दुख यौनम, दुखी योनिया है वास्तव में। भौतिक सुख हम जितना लेंगे उतना हमको दुख बढ़ेगा। क्यों दुख बढ़ेगा? अगला जन्म लेना पड़ेगा। और किसी जन्म में कोई भी पाप कर्म कर बैठेंगे तो तुरंत कैसा शरीर मिल जाएगा, जैसे देवराज इंद्र को सुअर का मिल गया, और क्या राजा था, राजा ने वो करचे काचिंडो बने ना, राज महाराज नृग, महाराज नृग
गिरगिट बन गए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। और वो राजा नहुस सांप बन गए। कभी भी कुछ भी बन सकते हैं, और सांप के होने में दुख भोगना पड़ता है ना, कहीं जाएंगे लोग पत्थर मारेंगे। मनुष्य जाएगा पत्थर तो नहीं मारेगा ना कम से कम, और सांप कहीं चलेगा तो भी लोग पत्थर मारेंगे, नहीं काटता है तो भी पत्थर मारेंगे, और कई बार तो पूरा फिनिश, पूरा जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे, कुत्ता है, कुत्ते शरीर मिल गया तो लोग पत्थर मारते हैं, भगाते हैं लोग कुत्ते को, कठिन है कुत्ते का जीवन भी जीना। साइड ऊपर अभी क्या है, रात को कुत्ते रहते हैं तो दूसरे गांव से कुत्ते आए, एक कुत्ते को इतना काटा कि वो तो चल भी नहीं रहा, इतना काट के बेचारे ऐसे गिर जा रहा है, मुंह से खून आए, 5-6 लोग आए और वो काट के चले गए, तो खतरा है, खतरा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे कौन सा सुख लेना है। स्पेशली जब हम जवान होते हैं तो हमारी इंद्रियां बहुत एनर्जेटिक होती है और हम भौतिक सुख भोगने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन 50 के बाद वही शरीर एकदम जो है जर्जर बन जाएगा और भौतिक सुख से घृणा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरी जो एनर्जी है, शक्ति, उसकी शक्ति का उपयोग कहाँ करूँ। स्पेशली यंग जीवन में जब हम जवान हैं तब हमारी शक्ति का उपयोग कहाँ करना है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम जवान होते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं रहता है, कीर्ति नहीं रहती है, लेकिन क्या रहती है, शक्ति। जब बूढ़े हो जाएंगे तो पैसा रहेगा, समय रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी हमारे पास, शक्ति नहीं रहेगी। 50 के बाद भजन नहीं कर सकते आप, अच्छा भजन नहीं कर सकते 50 के बाद। जो भजन कर सकते हैं वो यंग जीवन में कर सकते हैं, लेकिन यंग जीवन में हम क्या करते हैं, इंद्रिय भोग के अंदर हमारा जीवन विफल कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्ति को ट्रांसफर करे भगवान की सेवा में। ये जो हमारे पास शक्ति है उसको भगवान की सेवा में ट्रांसफर करें, बदलना चाहिए। स्पेशली जो यहाँ पर देख रहे हैं सब जवान लोग हैं, तो इनको अपनी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। नारद जी ने श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय में व्यासदेव को बताया कि जब व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा में करेगा तब उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जो शक्ति से हम इंद्रिय भोग करते हैं वो बंधन का कारण है, और वही शक्ति से भगवान की सेवा करेंगे वो मुक्ति का कारण है। और नारद जी ने उदाहरण दिया कि जैसे दूध की बनी हुई आइटम खाने से पेट खराब हो जाता ज़्यादा खाते तो, और फिर वही दूध की बनी हुई आइटम मतलब दूध और सॉरी दही खाने से पेट क्या होता है, ठीक होता है, पेट ठीक होता है। तो कोई सामान्य भौतिकवादी बोल सकता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला दही खाओ तो ठीक हो जाएगा, अरे दूध की आइटम खाया तो पेट खराब हो गया, अब उसकी बनी हुई आइटम दही खाऊंगा तो कैसे ठीक हो जाए, लेकिन ये आयुर्वेदिक विज्ञान है। ऐसे ही हमारी शक्ति को भगवान की सेवा में ट्रांसफर करने से हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए आपको चॉइस करना है कि आपको इसमें से कौन सा सुख लेना है। बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो ये 3 प्रकार के सुखों में नहीं गिरेगा, स्पेशली 2 प्रकार के सुखों में तो गिरेगा ही नहीं, और रजोगुणी। कम से कम सतुगुणी सुख लेने का प्रयास करेगा, और सतुगुणी सुख के बाद हम शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में कहा था कि कभी कभी शुद्ध भक्तों के संग के कारण इस 3 प्रकार के सुखों का क्या अंत आ जाता है, अगर शुद्ध भक्तों का। तो हम भाग्यशाली इसलिए प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो अनुयायी है उनका संग मिला है हमको, और हमको इस कृष्ण भक्ति को गंभीरता से अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बहुत डेंजर स्थिति में, अभी हम कोरोना है उसके बाद वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है, भौतिक जगत में आपत्तियों से घिरे हुए। इस आपत्तियों से बाहर निकलने के लिए एक जगह फेसबुक में एक आदमी लिखा था, घर में भूकंप है। घर में भूकंप मीन्स उसका 2 अर्थ में ले सकते हैं, दिल्ली घर है ना, दिल्ली में भूकंप आया था, और दूसरा हमारा घर। वाइफ थोड़ी थोड़ी बार चिल्लाती रहती है तो भूकंप जैसा ही है, वो चिल्लाती है तो वाइब्रेशन हो जाता पूरा घर। बच्चे लोग हंस रहे हैं क्योंकि आपकी वाइफ नहीं है इसलिए हंस रहे हैं आप लोग। जब वाइफ आएगी तब पता लगेगा कि भूकंप आता है कि नहीं आता है। तो घर में भूकंप है, दरवाजे पे कोरोना है, और बॉर्डर पे युद्ध है, और ऊपर से क्या है, तूफान है, दोबारा है उस समय। तो हम चारों तरफ से दुखों से घिरे हुए हैं और फिर भी क्या मानते हैं, परम सुख में हैं हम लोग। तो ये हमारा मोह है, इसलिए हमारे इस मोह से हमको क्या करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए।
और गंभीरता से कृष्ण भक्ति अपनाना चाहिए, और जो विशेष करके हमारी जो शक्ति है उस शक्ति को प्रचार में लगाना चाहिए, तब भगवान कृष्ण की कृपा होगी तो हम हृदय में आनंद का अनुभव करेंगे। हरे कृष्ण, यही श्लोक का सारांश है। हाँ, प्रश्न प्रश्न किसी का कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तमे एक एग्जांपल आप तो के कोई कमजोर व्यक्ति हो तो ए आध्यात्मिक जीवन में स्ट्रॉन्ग थी जाए, पेला शू कह आप कृष्ण भक्ति में लगे, पी कमजोरी ना कारणे ई आध्यात्मिक एटले के भौतिक जगत में पाछो वयो जाए छे। हाँ। तो प्रभु एवं नहीं के जी शक्ति छे कृष्ण शक्ति छे ए स्ट्रॉंगर स्ट्रॉंगर ज होय ने जी आना करता तो माया मा केम उलझाई जाय छे। नहीं पण कृष्ण शक्ति तो स्ट्रॉंग से, पण आपणी इच्छा ने आपणो मन कमजोर होय એટલે મન ભૌતિક વિષયથી આકર્ષિત થાય એટલે આપણે ગબડી જઈએ, આપણે સ્ટ્રોંગ નહીં। મતલબ પહેલા સ્ટ્રોંગ છે કૃષ્ણ ભક્તિ, પણ આપણે વીક હોવાને કારણે આપણે ગબડી જઈએ છે। અને આપણા લીધે મતલબ કે આચાર્યો એવું કહે છે કે માયા આપણને નહીં પકડતી, પણ આપણે આપણે માયાને પકડીએ છીએ। મતલબ આપણે વીક છીએ પ્રભુ, આપણો માઇન્ડ વીક છે, આપણો માઇન્ડ છે ને એ આપણો માઇન્ડ વીક છે એક્ચ્યુઅલી એમ। એટલે માઇન્ડ વીક ન હોવાને કારણે ભૌતિક વસ્તુઓને પરથી આપણે આસક્ત થઈ જઈએ, અને એ એટલા આસક્ત થઈ જઈએ કે એના વગર રહી ના શકીએ એમ। જેવી રીતે જે લોકો નશો કરતા હોય, હવે એ નશાની એટલી આદત પડી ગઈ અને દારૂ ના મળે ત્યાં સુધી તો પાગલ થઈ જાય એમ। એટલે કેમ કે એનું માઇન્ડ પેલો અટેચ થઈ ગયો, એનો નશો બની ગયો એમ। એવી રીતે આપણું મન વીક હોય એના કારણે આપણે એ ભૌતિક વિષયો પરથી આસક્ત થઈ જઈએ, અને પોતાની જાતને આપણે પછી કંટ્રોલ નહીં કરી શકતા। પછી આપણે જઈએ ઇન્દ્રિય ભોગ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ, તારે પછી આ લેક્ચર સાંભળેલા હોય બધા યાદ આવે, હવે યાદ આવે એટલે પછી શું થાય, વિરોધાભાસ ઉભો થાય કે હારો આ તો ખોટો છે હો યાર, હું તો આત્મા છું પણ આ ખોટો છે, આ ખોટો છે, એટલે મન દુભાયા કરે, એટલે વ્યક્તિ દુવિધામાં પડી જાય કે હવે ભોગ કરું કે ના કરું, કરું કે ના કરું એમ। એવી રીતે એટલે પછી પાછો આવે પછી, એવી રીતે ઘણા ઉદાહરણ છે। બીજો કોઈ પ્રશ્ન? હા, મન ના લાગ્યું હોય ચાલે, પછી મન ધીરે ધીરે લાગી જાય, એટલીસ્ટ ફિઝિકલ લાગે। કેમ કે જનરલી શું છે કે બદ્ધ અવસ્થામાં જયારે આપણે સ્પેશિયલ ભક્તિ કરતા હોઈએ ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીર પાછળથી લાગે, સ્થૂળ શરીર પહેલા લાગે। સ્થૂળ શરીર જ્યાં જાય ત્યાં મન લાગે, દાખલ તરીકે મારે કોઈ વસ્તુ બનાવી છે, હું કોઈ વસ્તુ બનાવું કે ભાઈ શીરો બનાવું, તો હું ફિઝિકલ લાગેલો છું તો મને એમ હોય છે, બરાબર? એટલે શરૂઆતમાં ભલે થોડું મન ભટકતો હોય, પણ તમે ફિઝિકલી બરોબર ડૂબી જાઓ ને તો પછી પાછા મન લાગે। એવી રીતે હોઈ શકે કે તમે ભગવાનના વિચારોમાં પૂર્ણ વિચાર ના આવો, દાખલ તરીકે બુક ડિસ્ક્રિપ્શન કરવું છે તો બુક ડિસ્ક્રિપ્શન કરતા કરતા તમે જરૂર નથી કે ભગવાનનો વિચાર કરો, તમે એવું વિચારો કે આ માણસ મળ્યો છે, હું એને કયા શબ્દોનો પ્રયોગ કરું, કઈ રીતે દરવાજો ખટખટાવું, કઈ રીતે પટાવું, કેવા એક્ઝામ્પલ આપું, તમે ખોરતા હો, અને એના લોજિકને તોડવા માટે બીજા કેવા લોજિક લાવું, તો એ બી ભગવાનના વિચારો છે। પણ એનાથી ઉપર છે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણના વિચારો કે આ શરીરની આત્મા છે અને કૃષ્ણ અંશ છે, એ હાઈએસ્ટ વિચાર છે। પણ એ બી ના આવે તો પહેલા વિચારો બી વિચારો છે ભગવાનના વિચારો, એમ કે બી પ્યુરિફિકેશન થાય એમ। તો કોઈ પણ સેવામાં શરૂઆતમાં તો મન સૂક્ષ્મ શરીર લાગવું બહુ અઘરું છે, પણ ફિઝિકલ શરીર લગાયાથી ધીરે ધીરે પ્યુરિફિકેશન થશે એનાથી, એનાથી સૂક્ષ્મ શરીર લાગશે, એ પ્રોસેસ છે, જલ્દી બીજો પ્રોસેસ નથી। સૂક્ષ્મ શરીર પહેલાં નહીં લાગે, મન બુદ્ધિ અહંકાર એ પહેલાં નહીં લાગે, પહેલાં સ્થૂળ શરીર લાગશે, એવી રીતે। બીજો કોઈનો પ્રશ્ન? 6 મિનિટ છે આપણી જોડે। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ। હા પ્રભુ। પ્રભુ, આ સૂર્યગ્રહણની અસર આપણે સત્વગુણી વસ્તુ ઉપર થાય ખરી? સૂર્યગ્રહણની અસર સત્વગુણી વસ્તુ ઉપર, એક્ચુઅલી સૂર્યગ્રહણ થાય એનો મતલબ આખો વાતાવરણ પેલો થઈ જાય તમુગુ, કેમ કે રાહુ અસુર છે ને, ઓર દેવતા ઉપર આક્રમણ કરે એમ, તો એ શું છે કે વસ્તુ દૂષિત થઈ જાય એમ। એટલે આપણે જે ખાવાનો અનાજ બનાવેલો હોય એ દૂષિત થઈ જાય, એનો પ્રભાવ એવું છે એમ, એટલા માટે એની અંદર પેલો ઘાસ નાખી રાખીએ છીએ આપણે, ડાબ ડાબ ભગવાન
ભગવાન માટે ભોગ ને એવું બનાવેલું હોય તો હા એ પછી ફેંકી દેવું કે રાખવું જોઈએ? એક્ચ્યુઅલી ભગવાનનો પ્રસાદ હોય, ડાબ નાખેલો હોય તો કોઈ વાંધો ના આવે. એટલે આમ જો શુદ્ધ ભક્તના માટે તો કશું અશુદ્ધ નથી આ દુનિયામાં. આપણી આપણી સ્થિતિ નિમ્ન છે, એટલે આપણે ગ્રહોના આપણે અત્યારે સાધના ભક્તિમાં શુદ્ધ શુદ્ધ સ્તર ઉપર નથી, એટલે ગ્રહોના પ્રભાવમાં છીએ, એટલે આપણે દૂષણ લાગે એમ, જેથી સૂતક લાગે ને. એવી રીતે સૂતક જ સમજો ને, એક પ્રકારનો સૂર્યગ્રહણને સૂતક બી કહેવાય. એવી રીતે ભગવાનને ઉપર અસર ના કરે, પણ આવું એક ટ્રેડિશનલ છે કે મંદિર બંદિર બંધ કરવું, બાકી ભગવાનને ગ્રહણ ના લાગે. ભગવાન ગ્રહણથી ઉપર છે, ભગવાનનો મહાપ્રસાદ, નામ કીર્તન બધું પ્રસાદ ઉપર છે એમ, શાસ્ત્ર વાસ્ત્ર બધા ઉપર છે. બીજો કોઈ પ્રશ્ન? પૂર્ણ કરીએ તારે. હરે કૃષ્ણ. શિલા પ્રભુપાદ કી, ગ્રંથરાજ ગીતા કી, નિતાય ગોત વંદે, શ્રી હરિ બોલ. મને ખબર જ નહીં, પૂછે બોલ.